नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप सीख रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में पहले भी हमने आपको सिखाया था काउंट नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, और ये इस सीरीज़ की दूसरी कंटिन्यूस वीडियो है जो कि आपको हेल्प करेगी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। फर्स्ट क्वेश्चन, काउंट नंबर ऑफ स्क्वेयर्स फ्रॉम द गिवन फिगर। ठीक है, ये रही आपकी फिगर। इन फिगर में से आपको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर कितने बनते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। ये जो स्क्वेयर है, ये 4x4 की एक फिगर आपको दी गई है, और यहाँ पर एक और फिगर इसमें लगाई गई है 2x2 की एक और स्क्वेयर, यानी कि ये दो फिगर का कॉम्बिनेशन है। इसके पहले जो हमने सीखा था वो सिंगल फिगर के लिए सीखा था। यहाँ पर मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ इनके लिए कि कितने स्क्वेयर बनते हैं और कैसे बनते हैं, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे बनते हैं। 4x4 का जो स्क्वायर है उनमें से हमें टोटल स्क्वायर मिलते हैं 30। अगर दोस्तों आपको ये जानना है कि ये 30 स्क्वायर कैसे बने, तो ये मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको सिखा दिया था। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं कि ये 30 स्क्वायर किस तरह से बने। ठीक है, और एक 2x2 का एक और स्क्वायर है, तो 2x2 के स्क्वायर में से हमें नंबर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे 5। तो अगर हम इनका टोटल मिला ले यहाँ पर 30+5, तो टोटल बन जाएंगे नंबर ऑफ स्क्वायर 35, यानी कि हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, एक और फिगर आपके लिए। यहाँ पर टोटल 3 फिगर का कॉम्बिनेशन है। एक स्क्वायर यहाँ पर आपको दिया गया है 5x5 का, एक और स्क्वायर 2x2 का, और एक तीसरा स्क्वायर 2x2 का, यानी कि ये तीनों फिगर मिला के आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनते हैं। चलिए ये रहे आपके ऑप्शंस, और देखते हैं किस तरह से कितने स्क्वायर बनते हैं। पहला जो स्क्वायर है बड़ा वाला 5x5 का, इनमें से हमें नंबर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे 55, और 2x2 के जो स्क्वायर है हमारे पास उनमें से हमें नंबर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे 5 प्लस दूसरे में से भी 5। तो अगर हम इन तीनों को मिला ले 55+5+5, तो आंसर हमारा बन जाएगा टोटल 65, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। अब मैं आपको आगे जो सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो फिगर दी गई है ये स्क्वेयर फिगर है दोस्तों, 5x5 की। अगर आपको 5x5 की स्क्वेयर फिगर के बजाय 6x4 या तो 4x5 कोई किसी भी तरह की रेक्टेंगल फिगर दी जाए, तो ये ट्रिक यहाँ पर दोस्तों काम आने वाली नहीं है। उनके लिए लगानी होगी कोई और दूसरी ट्रिक। ठीक है, तो चलिए वो ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आऊँ। तब तक आप कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, काउंट नंबर ऑफ स्क्वेयर फ्रॉम द गिवन फिगर। ये रही आपकी फिगर और ये रहे आपके ऑप्शंस। अब आपको अपने हिसाब से, अपने तरीके से टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर इन फिगर में से कितने बनते हैं वो फाइंड आउट करना है। एक और क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज में, नेक्स्ट फिगर। इनमें से भी आपको पता करना है कि कितने फिगर बनते हैं, यानी कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर बनते हैं इस फिगर में से। ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज, और आपकी लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। ये रही आपकी फिगर, इसमें से भी आपको पता लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर कितने बनते हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इस तीनों क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, और जो भी आंसर आपको मिलता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप सही है या नहीं। आशा करता हूँ सभी लोग को ये समझ में आ रहा है, और डेफिनेटली आप आसानी से इनको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह की रेक्टेंगल फिगर में से किस तरह से स्क्वायर निकालना है वो मैं आपको सिखाऊंगा हमारी अगली वीडियो में, जो कि मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ अगले शनिवार शाम 7 बजे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, और देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।